अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको दो नई चीज़ें दिखाती हूँ जो हमारी बिल्डिंग में इंस्टॉल हुई हैं और जिनकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बल्कि एक चीज़ की वजह से बच्चे एक्साइटेड हैं और एक चीज़ की वजह से मैं खुश हूँ। तो वो क्या चीज़ें हैं, चलते हैं देखते हैं। नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो लिफ्ट आ गई है, तो हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। जी तो वो है ये चीज, वेंडिंग मशीन। आपको पता है हमारी बिल्डिंग के करीब कोई ग्रॉसरी नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता था ये चीज़ें खाने का, जंक फूड वगैरह का। और अब बहुत खुश हैं कि वेंडिंग मशीन ही हमारी बिल्डिंग में आ गई है, तो जब दिल करता है आराम से आते हैं, कॉइन लेके पैसे लेके डालते हैं और ले जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ है। ये देखें, इसमें मिल्क भी है, बेशक ये लॉन्ग लाइफ है, फ्रेश नहीं है, और उसके साथ ये एग्स भी हैं। अगर सम टाइम ग्रॉसरी ख़त्म हो जाती है और आपको अर्जेंट किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। और इस सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं है, वही सेम प्राइसेस हैं जो कि ग्रॉसरी पे होती हैं। और उसके साथ साथ ये देखें, इवन हेडफोन्स, चार्जर्स, ये सब ये अवेलेबल है, ये देखें। तो ये थी वो चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, जिसकी वजह से बच्चे एक्साइटेड हैं और मज़े मज़े की चीज़ें हैं इसमें। ये देखें, हर चीज़ अवेलेबल है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको वो चीज़ जिसकी वजह से मैं खुश हूँ, वो है ये चैरिटी बॉक्स। एक्चुअली घर में कपड़े हो गए बहुत सारे जमा बच्चों के, क्योंकि माशाल्लाह इस एज में बच्चे जो हैं वो जल्दी बढ़ते हैं, उनके कपड़े छोटे होते रहते हैं, तो कपड़ों के काफ़ी 3-4 बॉक्स हो गए जमा। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ डालूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा और तो किसी को दे नहीं सकते। हमारी बिल्डिंग में 3-4 लोगों ने शॉपिंग बैग्स भर के रखे हैं, कोई उठा के ले जाएगा, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया। और बिल्डिंग वालों ने बोला कि यहाँ से उठा के वापस घर लेके जाएं, तो बेचारे फिर वापस लेके आए। तो मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ डालूँ, यहाँ करीब कोई मुझे ऐसी वो नहीं मिल रही थी, चैरिटी बॉक्स नहीं मिल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंस्टॉल हो गया, तो अब मैं इंशाल्लाह वो ला के बैग्स जो बनाए थे इधर डाल दूँगी। और मैं अपनी बिल्डिंग का जो कल मैं अपनी बिल्डिंग का जिम और जो स्विमिंग पूल है वो भी दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह, छोटी सी वीडियो बना के, और छोटी सी बनाऊंगी ताकि आप लोग भी बोर ना हो। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।